नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताने जा रहे हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला आया है। फैसला ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्या मामले में। 1998 में हुई हत्या की इस घटना के बाद पटना हाईकोर्ट में मामले के जाने के बाद और पटना हाईकोर्ट से बरी होने के बाद तमाम आरोपियों के खिलाफ जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, उस याचिका पर अभी से ठीक कुछ देर पहले सुनवाई होती है और बड़ी खबर निकलकर सामने आती है, मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा। अब देखिए, इस मामले में सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला समेत कई आरोपी थे जिनके खिलाफ याचिका डाली गई थी और इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 13 जून 1998 के हत्या के एक मामले में, ब्रिजबिहारी प्रसाद के हत्या मामले में, जो कि बिहार सरकार में तत्कालीन मंत्री रहे थे, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री रहे थे, उनकी हत्या पटना के IGINS परिसर में कर दी गई थी और वो मामला निचली अदालत के बाद पटना हाईकोर्ट में गया और पटना हाईकोर्ट से 2014 में जब ये लोग बरी किए गए तो उसको लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई रमा देवी, पूर्व सांसद रमा देवी के द्वारा। और इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी से ठीक कुछ देर पहले बड़ा फैसला सुनाया है और देखिए क्या निकल कर आया है। 1998 में बिहार के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में आरोपियों को दोषी ठहराया गया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने सभी 8 आरोपियों को बरी कर दिया था। कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने दोषी मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में दोनों को 15 दिन के भीतर सरेंडर करने को भी कह दिया है। साथ ही पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, राजन तिवारी सहित 6 लोगों को बरी करने का फैसला सुनाया गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 13 जून की वो तारीख थी, 1998 साल था और पटना के IGINS परिसर में जो तत्कालीन मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद थे वो इलाज कराने पहुंचे थे और इस दौरान बाइक से सवार कुछ अपराधी आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर चले जाते हैं, उनकी हत्या होती है और जिसके बाद हत्या के आरोप में कई लोगों पर केस दर्ज होता है, मामला हाईकोर्ट पहुंच जाता है और हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद साक्ष्य के अभाव में 2014 में तमाम आरोपियों को बरी किया जाता है। लेकिन उसके बाद एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली जाती है पटना हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ और उसी याचिका पर सुनवाई हुई है और सबसे बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आया है। पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या 1998 में हुई थी। IGINS में इलाज कराने के लिए भर्ती थे उनकी पत्नी और भाजपा नेता रमा देवी के अलावा CBI ने भी पटना हाईकोर्ट द्वारा सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला इत्यादि के खिलाफ ये मामला उठाया था। अब देखिए, इस मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी समेत 8 आरोपियों को पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। इसको चुनौती देने वाली अपील पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। पूर्व मंत्री की हत्या, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं, पटना में हुई थी और रमा देवी उनकी पत्नी, पूर्व मंत्री की पत्नी और बीजेपी नेता रमा देवी के अलावा CBI ने भी पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने जो है 21 और 22 अगस्त को सुनवाई पूरी करते हुए आदेश को सुरक्षित रख लिया था। लेकिन अब इस मामले में बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है, मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा दी गई है। मतलब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला जो है अब आया है और इस फैसले में जो मुख्य बातें हैं, हत्याकांड से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और यह फैसला देखिए किसके पक्ष में और किसके खिलाफ में गया है। यह बड़ी तस्वीर, मुन्ना शुक्ला सहित 2 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मतलब मुन्ना शुक्ला मुश्किल में, सूरजभान सिंह की रिहाई को बरकरार रखा गया है। पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या 13 जून 1998 में हुई थी, बार बार हम आपको बता रहे हैं और ये बड़ा मामला था उस वक्त का और उस मामले में अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और कई इसमें आरोपी बनाए गए थे, पटना हाईकोर्ट ने सबूत के अभाव में इन्हें बरी किया था। लेकिन अब बड़ी तस्वीर और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है, देखिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला और एक शख्स को दोषी करार दिया है। मुन्ना शुक्ला समेत 2 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं इस मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, राजन तिवारी समेत 5 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। 2014 में सभी 8 आरोपियों को बरी किया गया था। पूर्व मंत्री की पत्नी रमा देवी ने, CBI ने भी पटना हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और जैसा कि हम रहे हैं उस वक्त ये बहुत बड़ा मामला था और इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या हुई थी, ब्रिज बिहारी की हत्या हुई थी और इस दौरान काफी गहमागहमी हुआ था। सूरजभान सिंह की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है और इसके साथ ही कई लोगों को झटका मिला है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ, धन्यवाद।